This event is presented in association with Sir Syed Mission School Shaheenbagh and Academy of Coffee Tech in Shaheenbagh. BSW Professor Farhad Nasir, Muslim Sahab, a resident intellectual of Jamia, Mughal Keshwar. किस दिन आप यहाँ से उठा के बाहर भेज दिए जाएंगे जामा फैकल्टी और अजीज तालीम में सबसे पहले मैं मशगूल हूँ कि बहुत अरसे के बाद आपकी वाइस चांसलर साहबा के प्रोग्राम के मुताबिक इस मौके पर मैं बहुत कम दिन यहाँ रहा, मेरा ख्याल 4 साल रहा मैं और 21वीं सदी ये है कि 21वीं सदी शुरू हुई 2000 से 2004 इसलिए कि उस वक्त वाइस चांसलर की एक्सपायरी डेट जो थी वो अब से कम इसलिए मैं बड़ा ट्रांजिशन का जमाना था हमें खुदा का शुक्र है कि बहुत से जो हादसा वाकया हुए उससे बच भी जा गया है वो अपने एक्सीलेंस के रास्ते पे सबसे पहले मैं याद करना चाहूँगा कि मुझे जामिया के जो फैकल्टी है उसको मैंने हमेशा पाया कि नए ख्याल को वो जो पुराना शेर है कि आईने नौ से डरना और तर्जे को हन पे अड़ना मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में वो फेनोमेनन यहाँ मुझे यहाँ पे नए ख्याल नए तजर्बात की रिसेप्टिविटी दिखाई दूसरे जामिया का एक इम्तियाज ये रहा है जो लाकिर साहब और मुजीब साहब के जमाने से कि चाहे आपके पास वसायल कम हो लेकिन वो कभी आपके जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कैसी फख्र फाखे की जिंदगी बसर की लेकिन जाने आगे बढ़ता चला गया तो बावजूद इसके कि आप बसाए बहुत थे और कुछ पहले कम थे मगर यहाँ पे हमेशा मैंने देखा कि जो फैकल्टी है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो नए ख्याल इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं इस लिहाज से मैं कहता हूं कि जामिया हालांकि मैं अलीगढ़ की प्रोडक्ट और अक्सर ये होता था कि अगर आपकी फाइनल में अलीगढ़ और जामिया आ जाए बड़ी मुश्किल है किस लेकिन फिर ये काम मैं तकसीम कर लेता था मेरी बीवी जो है वो जामिया को सपोर्ट कर पर कहने का मतलब ये है कि जामिया में इनोवेशन की जो स्पिरिट है और मेरा ख्याल है ये इसकी बुनियाद है इसलिए कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो स्कूल से शुरू हो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई उस्तादों के मतलब पैदा करें वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने फाइन आर्ट्स को
तालीम का एक तो एक उपज जिसे कहा नई सोच नई इंफिनेंस वो उनकी रिसेप्टिविटी उनको कबूल करना उनमें आगे बढ़ना बावजूद वसायल की कमी। आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आज भी देखेंगे जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में नहीं उनका नाम नहीं लेना चाहिए और अगर आप उनकी तारीख को देखेंगे कैसे वो बढ़ी कैसे उनकी बुनियाद कैसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस सेक्रीफाइस के साथ वो आगे बढ़े तो आपको कैसी हो सर। बहुत सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन्स है सारे रिलीजन्स की स्टडी मनी ईरान में एक कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने एक बहुत ही मामूली वसायल के बाद से अच्छा इनोवेशन इनोवेशन की जो स्पिरिट है वो जामिया की स्पिरिट है वो मैं समझता हूँ ये स्पिरिट जो है वो मैंने एक शेर पढ़ा था आईने नौ से डरना कर्जे मन करना मंजिल यही कठिन है काबू की जिंदगी में। आज मैं तालिब इल्मों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उसका असर जो है वो हमारे तालीम पे जिस तरह से तालीम दी जाती है उस पर पड़ रहा है। मेरा इशारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इतना उसमें उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि जो एक रिश्ता उस्ताद और शागिर्द शायद अगर हम इससे बाखबर नहीं रहे इस तरह से हो सकता है ऐसा। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूँ एक फारसी में बड़ी मशहूर कहावत है जाए उस्ताद गाली में जो उस्ताद और शागिर्द से रिश्ता है जिंदा रिश्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं उसकी कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप आईने नौ से न डरें तर्ज़े कोहन पे न अड़ें लेकिन पूरी तरह से आप बाखबर रहें कि आज जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे अपनी जो बेसिक वैल्यूज हैं उनको किस तरह से उनको भी कायम रखें ये ऐसे एक डिबेट है। मैं चाहूँगा कि जामिया जैसे अखबारों में जो ए आई इसका नाम हो गया नया फिनोमिनल आ गया है जिसको आप इस तरह से चाहे इस्तेमाल करते हैं उसकी जो ऑन स्लॉट है उसका जो हमला है उससे हम कैसे एक बीच का रास्ता निकालें जिससे कि टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा लेकिन जो ह्यूमनिस्ट वैल्यूज उस्ताद शागिर्द की जो गुरु शिष्य परंपरा है मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर मशहूर हूँ वाइस चांसलर का उन्होंने मुझे इस मौके पे आपसे मुखातिब मौका दिया। मेरी ये ख्वाहिशात हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जामिया अपनी एक्सीलेंस के साथ साथ इनोवेशन और नई थिंकिंग जो है बता शुक्रिया बहुत नहीं। इसका प्रोफेसर नजमा की शख्सियत मारूफ व मशहूर है।